लाणी से और उस मल्ले से प्रार्थना कर रही थी, निवेदन कर रही थी। और क्या क्या बोली, मैया तेरी नाव में ओ मैं बैठना चाहूं सू अपना पेटा भर ले।
कमजोरी में वो दरिद्र की ठोकर खा ले, दरिद्र की ठोकर खा ले। मन पार तार दे मैं के रोज रोज आऊं सू। आजी आई सती वीर का पति एक हो मर्द वीर सो ब्याले और दोस्त नहीं से कमजोरी में दर दर की ठोकर खाले। कह चंद्र लाल राम मन ठाले इस दुनिया में दुख पाऊं सू मन पार तार दे मैं के रोज रोज आऊं सू। भैया मेरे पास कुछ नहीं है, तुम पैसे की बात कर रहे हो, मेरे पास तो एक टका भी नहीं है। अगर जो कुछ हते लते कपड़े आप गहने रख लो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस गंगा से पार इस घाट से पार कराओ। देखे वो मन लानी थी ना उसमें दया आ गई, बोले सुने अपना तो ये काम है, रोज दुनिया आती जाती है, दुखिया है और गर्भवती। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये गर्भ से है, गर्भवती है और ये अपने घर बार से अपने पियर से अपने सासरे से बिछड़ी हुई है। कोई बात नहीं, इसको पार करा देते हैं। उस मल्ला के पास उस नाव में बैठ करके उस गंगा नदी को पार कर दिया प्रेमी सजनों। और जैसे ही नदी को पार किया तो आकर के इस पार अपने हाथ मुंह धोती है, और जैसे ही हाथ मुंह धोने के लिए पानी लिया गंगा जी से, होश तो था नहीं, एक अंगूठी राजा दुष्यंत देखे गए थे कि अगर मैं ना भी आऊं और तुम कह रहे हो कि कोई निशानी, तो ये निशानी इस पे लिखा हुआ है, दुष्यंत ये अंगूठी मैं तुझे दे के जाता हूँ, इसको लेकर के आप दरबार में आ जाना, मैं आपको पसंद। वो अंगूठी भी समय खराब था, और राजस्थान में तो ये कहते हैं जब आदमी पे लोगों समय खराब है तो ऊंट में बैठो आदमी ने कुत्तों खा जाए, तो उसका भी समय खराब था शकुंतला का। वो दुर्वासा ऋषि का सराफ आडे आ रहा था प्रेमी सजनों, वो अंगूठी भी वहीं गिर जाती है। वो मल्ला उसको पार करवा देता है, और वो लड़की शकुंतला हस्तनापुर के अंदर जब दरवाजे पर पहुंची तो किले के जो दरबान थे वो देखते हैं कि देखने में तो बड़ी सुंदर थी, क्योंकि ऋषियों की संतान थी, हूर मेनका से जो पैदा हुई थी, देवलोक किसी परी लग रही थी, लेकिन टूटे उटे फटे पुराने वस्त्र पहन रखे थे। प्रेमी सजनो वो दरबान पूछता है कि तुम कौन हो, बोला मैं कोई नहीं, लेकिन तुम जो तुम्हारा राजा है ना दुष्यंत, उसको जाके बताओ कि बाहर एक अबला आपका इंतजार कर रही है। प्रेमी सजनो वो राजा दुष्यंत के पास जाता है। महाराज एक औरत है, फटे टूटे लत्ते पहन रखे हैं, देखने में तो सुंदर तो बहुत है, परी वर्गा गात है उसका, और बहुत दुखी लगती है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और बार बार राजा दुष्यंत की दुहाई दे रही है। प्रेमी सजनों राजा दुष्यंत के सामने पेश किया गया शकुंतला को, शकुंतला तो पहचान जाती है कि हाँ ये वही है, ठिकाना एड्रेस तो तेरा ठीक है, सही पते पर पहुंच गई तू, लेकिन राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचानते नहीं है, क्योंकि वो 12 साल का जो शराब था ना वो आडे आ रहा था। प्रेमी सजनों वो अंगूठी देखी तो अंगूठी भी गायब थी। शकुंतला ने देखी ऐसा इसको क्या दिखाऊं, कौन सी निशानी दिखाऊं जो मुझे पहचाने। बोले महाराज याद करो, आप जंगल के अंदर मेरे आश्रम में आप 2 महीने तक रहे थे, मैंने आपकी बहुत सेवा की थी। प्रेमी सजनों राजा दुष्यंत कहते कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कौन हो, कहां से आई हो, और ले जाओ इसको और वापस जंगल बियाबान के अंदर छोड़ाओ। प्रेमी सजनों वो रानी अपने दोनों हाथ जोड़ देते, लेकिन महाराज के सामने वो सराफ आ रहा था, 2 सिपाही उसको पकड़ते हैं और महल से बाहर कर दिया। वो शकुंतला रोती हुई वापिस फिर गंगा किनारे आ जाती है। वो मल्लानी ने देखा, रे तो वही औरत है, रोती हुई आवाज लगा रही थी। वो कहती रही बहन क्या बात है, बोली सुन मैं कोई ऐसे ऐरे गेरे घर की वो नहीं हूं, मैं हस्तनापुर की महारानी हूँ, शकुंतला मेरा नाम है, लेकिन आज मेरा समय खराब है, मेरा जो आदमी है ना वो मुझे पहचान नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन मैं जानती हूँ कि दुर्वासा ऋषि का शराप इसकी भी अवधि कम ये भी खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ से वापस जंगल की तरफ जा रही हूँ, अगर कभी
जीवन काल में दो चार साल पांच साल बाद अगर राजा दुष्यंत इधर मुझे खोजते हुए आए तो तुम इतना कष्ट कर देना कि ये बता देना कि इसी जंगल में उस शकुंतला का डेरा है, यहीं पे वो रहती है, इतना तुम फर्ज अदा कर देना। यही निवेदन कर रही थी। और क्या कह रही थी? ओ कदे भूले बिसर के कदे भूल बिसर के साजा ना जा तो हाल बता दियो मेरा, और नू कहिए तेरी शकुंतला का इस बियाबान में डेरा। सौ सौ कोस दूर पटकी मारी उसकी जोड़ी मिलके, करूं सु उम्मीद पिया फिर भी मिलेंगे हटके, और नू कहिए मारे घाट पे डट के नाम रटे थी तेरा। कदे भूल बिसर के साजा ना जा तो हाल बता दियो मेरा। क्या कह रहे थी? ओ तेरा भूल बिसर के साजन याद पत्ता पत्ता
राजा नाजा तो हाल बता दियो मेरा और नू कहियो तेरा शकुंतला का इस बियाबान में डेरा। प्रेमी सजनो वो शकुंतला सोचते है कि जब तक दुर्वासा ऋषि का ये शराब खत्म नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं, वापिस जंगल बियाबान में आ गई और एक अलग आश्रम का निर्माण करती है। और जैसे ही वो समय अवधि पूरी हुई, 9 महीने का समय पूरा हुआ, तो एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया जिसका नाम भरत था, जिससे ये भारत, जिसका इस देश का नाम भारत जो रखा है भरतखंड, वो उसी भरत की ये कहानी है शकुंतला। और दुष्यंत से जो संतान पैदा हुई थी उसका नाम भरत था। जितनी भी ये सीमाएं हैं सब उसी भरत की बांधी हुई है, जितना भी ये भारतवर्ष है अखंड वो सब भरत की मेहरबानी से प्रेमी सजनों उसका लालन पालन करती है। 12 साल की अवधि तो पूरी होनी थी, जैसे ही 12 साल की अवधि पूरी हुई राजा दुष्यंत को याद आया, अरे दुष्यंत तूने तो गंधर्व विवाह किया था शकुंतला से और वो जंगल बियाबान के अंदर रो रो के मर रही होगी। याद आ गई सब कहानी, वापिस आ गया और जब आया उस घाट के ऊपर तो मल्हा और मल्हाणी दोनों बैठे थे। जैसे ही महाराज दुष्यंत आए वो मल्हाणी कहते हैं कि महाराज आए हैं। अच्छा प्रेमी सजनों वो अंगूठी जो थी उस मल्हाणी को मिल गई थी उसी घाट पे, अपने पास रख रखी थी। बोला महाराज आपकी एक वसीयत हमारे पास है, हमें इस घाट पे मिली थी क्योंकि उस पे दुष्यंत लिखा हुआ था। वो जब अंगूठी पेश की उस मल्हाणी ने राजा दुष्यंत के सामने तो पहचान गया कि ये अंगूठी तो वो है जो मैंने शकुंतला को दी थी निशानी के तौर पे। इसका मतलब वो शकुंतला यहाँ से आई है। पूछता है कि ये अंगूठी कोई औरत? बोला महाराज मुद्दत की बात हो गई, ये आज नहीं कई सालों से हमारे पास है, आज हमें आप मिले हो हमारे सामने हमारे इस घर में आए, तो आपकी ये वसीयत है, आपकी पूंजी है हस्तनापुर की, ये हम आपको लौटा देते हैं। प्रेमी सजनों राजा उसी जगह पहुंच गया जहां 12 साल पहले आया था। इधर उधर देखता है कहीं नहीं, लेकिन जब खोज की सेना के साथ राजा दुष्यंत ने तो देखा कि एक लड़का है 10-11 साल का और उस शेरों के साथ खेल रहा है, चारों तरफ उसके शेर है और शेरों के साथ वो खेल रहा है, ऐसा कौन हो सकता है? प्रेमी सजनों वो भरत सामना करता है राजा दुष्यंत का और सामने से शकुंतला आ जाती है, कहती नौजवान ठहर जा बेटा वार नहीं करना। अगर वो शकुंतला नहीं बता दी तो हो सकता, पता नहीं क्यों बहुत बड़ा वीर था, रोक दिया उसको, नहीं कहा अपना काका नहीं सुन जाते तो हिसाब ऐसे बढ़ोगा। अरे बोला रुक कौन है? बोला ये तेरे बाप है। प्रेमी सजनों शकुंतला ने राजा दुष्यंत को पहचान लिया और दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया।